हरियाणा वक्फ बोर्ड देश के सबसे पिछड़े जिले नूह की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देने में अहम किरदार निभा रहा है। जिले के पुनहाना में रविवार को राज्य मंत्री रहीस खान एवं चेयरमैन वक्फ के सौजन्य से लाइब्रेरी की सौगात इलाके के बच्चों को मिली। लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबें उपलब्ध होगी। वहीं बच्चों को अब बेहतर तालीम से धन के अभाव में महरूम नहीं होना पड़ेगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुनहाना के प्रांगण में ये लाइब्रेरी वक्फ द्वारा चलाए जा रहे SSC कोचिंग सेंटर भवन में खोली गई है। राज्य मंत्री रहीस खान ने इस दिन को खास एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में शिक्षा ग्रहण कर रही लड़कियों की फीस अपने निजी कोष से भरने का ऐलान किया। विधायक रहीस खान ने कहा कि नूह में जल्द ही कोचिंग सेंटर शुरू करा दिया जाएगा। देखो, जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी है और बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह नहीं है। इसमें हम सारी किताबें अवेलेबल करा के, और इसमें अलग अलग टाइम पे हम जैसे कोई मार्गदर्शन इससे ले रहा है, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी एक अलग से हम इसमें यहाँ हेड इसका बिठाएंगे, और अच्छी अच्छी बुक्स से ला के जो गरीब हमारे बच्चे हैं, इसमें हर तरीके की कोचिंग की बुक्स की सुविधाएं हम रखेंगे। कितने बच्चे? देखो, अब तक जो आज तक लगी वो 31 बच्चे हमारे यहाँ से नौकरियाँ जिनको मिली हैं, और जो आज बच्चियाँ हैं लगभग 24 बच्चियाँ हैं जो हम मेरे यहाँ कोचिंग दे रही, और मुझे उम्मीद है आगे और भी बच्चियाँ हमारे यहाँ आएंगी। 31 बच्चे अब तक लग चुके हैं और आगे हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा बच्चे इससे हमारे लगेंगे।